हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे होंगे। मेरी शुभकामना है कि आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें जैसे कि मैं खुश हूँ। आप अगर लखनऊ आना चाह रहे हैं और लखनऊ की यात्रा आरंभ करना चाह रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट से आना है तो आपको कौन कौन से रूट देखने होंगे, और अगर आपको चारबाग से आना तो आपको कौन कौन से रूट देखने पड़ेंगे। आपको चारबाग से कहाँ घूमना है ये डिसीजन लेना पहले होगा, और आपको किस किस होटल में रुकना है इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगी। पहले आप मान लीजिए चारबाग स्टेशन से ट्रेन से आप आए तो आपको चौक घूमना है, तो चौक के लिए आप ओला बुक कर सकते हैं, ऑटो बुक कर सकते हैं और टू व्हीलर भी बुक कर सकते हैं, या यहाँ पे बाइक की भी सुविधा है, आप बाइक से भी घूम सकते हैं। आप अपना सामान होटल में रखिए और बाइक से घूमिए, होटल से रुकिए, ऑटो से घूमिए। सबसे वैसे बेस्ट रहेगा ऑटो, क्योंकि उसकी प्राइस भी कम है। जैसे यहाँ से आप चौक का लेंगे चारबाग से, चारबाग वाले होटलों में मत रुकिए, चारबाग से थोड़ा सा आगे निकलिए, गंज वगैरह में जो होटल हैं कम प्राइस के उसमें रुकिए। उससे ये रहेगा कि आपको घूमने में आसानी रहेगी। तो जैसे लखनऊ में आप आएँ तो पहले आप चौक एरिए में घूमिए, तो चौक में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, घंटाघर, ये सब देखिए, फिर वहाँ स्टॉप कर दीजिए। फिर एक दिन आप गोमती नगर में घूमिए, गोमती नगर में बहुत सुंदर होटल हैं, पार्कें हैं, वो घूमिए। फिर आप ऐसा ना हजरतगंज की तरफ घूमिए, वहाँ हनुमान सेतु में हनुमान सेतु का दर्शन करिए, वहाँ जो मंदिर है सबके दर्शन करिए और गंज घूमिए। इस तरह आप 5-6 दिन का टूर बना के लखनऊ में आइए और फिर आप इंजॉय करिए। और बाकी जानकारी मैं लखनऊ की अब हमेशा देती रहूँगी कि लखनऊ में